सारे शास्त्रों को अध्ययन किया. कौन कौन से? जैसे बाइबल का, थोरा का, और बुद्धिस्ट वाली का. और फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो गए. अच्छा. और वहाँ सबसे बड़ी ओरिएंटल इंस्टीट्यूट है. तो वहाँ मैं भगवद गीता को मिला. अच्छा. जब मैं भगवद गीता को पढ़ती थी तब मैं समझ गया, क्योंकि भगवद गीता के मतलब है ये भगवान के वाणी है. और भगवान वो साक्षात बताए कि वो कौन है, हम कौन है, हमारा कर्तव्य क्या है, सब कुछ भगवद गीता में है. तो जब मैं भगवद गीता को अध्ययन किया, मैं सब कुछ छोड़ दिया. और मैं ढूंढ रही थी कि मैं गुरु कहाँ मिलूंगी. तब मैं प्रभुपाद को मिला और तुरंत दीक्षा ले लिया. तो अन्य जो आपने ग्रंथ पढ़े, बाइबल पढ़ी, तौरेत पढ़ी, और भी अन्य ग्रंथ पढ़े, फिर भगवद गीता पढ़ी, उन सभी ग्रंथों में और भगवद गीता में आपको क्या अंतर लगा? ये मूल ज्ञान, ये सबसे उत्तम ज्ञान है. अच्छा. पूरे दुनिया में शास्त्रों के, क्योंकि ये भगवान के वो इनका इनका वाणी है, इनका गीत है. जी, जी. तो अंत में भगवान क्या कहते हैं कि सर्वधर्मं परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. तो सर्वधर्मं परित्याज्य, वो जितना सारे धर्म है इस दुनिया में छोड़ दीजिए. माम एकम शरणं व्रज, और मेरे शरण लो. एक शरण लेना चाहिए भगवान के शरण. अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, आप जितना पाप किया आपका जीवन में, इस जीवन में, पूर्व जीवन में भी, मोक्ष यिष्यामि मा शुचः, मैं आपको मोक्ष दे दूंगा. भगवान कहते मा शुचः, चिंता मत करो. तो 47 साल का ये लंबा कालखंड जो आपने भारत में गुजारा, क्या बीच बीच में अपने देश अमेरिका की याद नहीं आई कि चलो वहीं चले? के वो प्रचार के लिए. हाँ. और जब मेरे माँ बाप जीवित थे तो मैं कभी इनके दर्शन किया, इनके सेवा किया, तब मैं लौट आए. अब जाने की इच्छा नहीं होती? नहीं, नहीं, हम छोड़ दिया सब कुछ. अच्छा. अगर सब कुछ है आपके पास. हाँ. और सुख भी नहीं है. हाँ. तो वो मामूली चीज है. हम सुख चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम प्रेम चाहते हैं. तो ये है, भगवान के पास मिलेंगे. और अच्छा. और कोई जगह नहीं. पैसों में सुख नहीं है? पैसों में नहीं, पैसा पैसा क्या करेगा? अच्छा. कुछ नहीं करेगा. अच्छा. अगर अकेला है. हाँ. तो क्या करेगा पैसा? अच्छा. सुख जरूरी है. और सुख कहाँ से आते? जब उत्तम प्रेम है. और उत्तम प्रेम कैसे मिलेंगे? भगवान के लास्ट में. जो जो देश के लोग, भारत के लोग, आप देखते होंगे भारत के लोग पाश्चात्य की ओर भाग रहे हैं. हाँ, भाग सबको रहे. पैसा हाँ, चाहिए. हाँ, बंगला हाँ, चाहिए. हाँ, उन लोगों को आप क्या कहेंगी जो भारतीय संस्कृति को भारत के होके महत्व नहीं दे रहे? इसलिए हम रहते तो, तब वो लोग देख सक क्यों हम इधर आए थे. हम उधर उधर रहते थे. सब कुछ था हमारे पास, सुख नहीं था. हम सब कुछ छोड़ दिया और इधर आए थे धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए. तो लोग के वो देखने से समझ सकते बताओ क्यों जाएंगे. आपके संस्कृति सबसे उत्तम है पूरे दुनिया में. तो भगवद गीता को रोज एक एक श्लोक पढ़ो. एक श्लोक पढ़ने से धीरे धीरे दिव्य ज्ञान आएगा तुम्हारे हृदय में. और तब